हमारे मुंबई महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता श्री विनोद शेलार जी के आयोजन से हुआ, और इस कार्यक्रम में आज हम लोग ने वरिष्ठ नागरिकों को 500 लोगों को छाता बांटा, और उसके बाद एक्स्ट्रा 100-150 लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो वो भी हम लोग ने 650-700 छाता वितरण किया। छाता एक्स्ट्रा मंगाए थे, हम मंगा के रखे थे कि मालवनी है, हमको लगता था कि ये कार्यक्रम एक्स्ट्रा होता है तो लोग आ जाते हैं, किसी को फॉर्म नहीं मिल पाता है, आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए आज 650 छाता हम लोग ने ऑर्डर बांटा। आगे का क्या प्रोग्राम है? ये कार्यक्रम छाता वितरण हमारे पूरे विधानसभा में हो रहा है विनोद शेलार जी के नेतृत्व में, आज 4 वार्ड में हुआ है, आज कल 4 वार्ड में होने वाला है, ऐसा करके पूरे विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है। आज टोटल कितने छाता वितरण किए गए और किन किन लोगों को किया गया? आज कम से कम 2500 छाता वितरण हुआ है, सीनियर सिटीजन लोगों को छाता बांट रहे हैं, 60 साल के ऊपर है उन लोग। बाकी लोग भी चाहते हैं जो है सीनियर, बाकी लोग भी अब जिस हम लोगों ने आज का 500 का टारगेट था हमारे वार्ड का, लेकिन 100-150 जो एक्स्ट्रा लोग आ गए उन लोगों को दे दिए। तो उन्हें कैसा दिया जा रहा है, कोई फॉर्म भरना पड़ रहा है या वेरीफाई कुछ करना पड़ा? एक्चुअली जब हम लोग बैनर लगाए फॉर्म भरे तो हम लोग ने ये सोचा था कि जो लोग एक्स्ट्रा आएंगे या फिर जिसको फॉर्म नहीं मिल पाया वो लोग भी आएंगे सुनकर बैनर देखकर, तो हम लोग ने 100-150 छाते की व्यवस्था एक्स्ट्रा रखी थी और उनको भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और साई प्रबोधन ट्रस्ट की तरफ से मलाड के हर वार्ड में हम आज से छाता वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह से 2000 छाते हो गए, अभी ये चालू है, आज दिन भर में 3000 तक छाते बढ़ जाएंगे, कल परसों और फिरसों मिल के करीबन 4 से 4500 छाते स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, एक मुकाम तक लेके आए, तो उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है इसका वहन हम कर रहे हैं। जो मोदी जी ने हमें सिखाया, 99 साल की उनकी माँ अंत तक उनके सेवा करते रहे, वही बात भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है। और अपने अपने जो बुजुर्ग हैं, जो ये हमारे डायरेक्ट माता पिता नहीं है लेकिन किसी के तो माता पिता है, तो उनके माता पिता हमारे लिए माता पिता जैसा है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों को छाता बांटने का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर गड्ढे हैं, और अगर आने वाला चुनाव में आपके नगर सेवक और एमएलए अगर यहाँ पर आए तो हम क्या उम्मीद करें कि गड्ढे खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर जो स्कूलों की प्रॉब्लम है वो या हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगे? आप रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता है, इस तरह का माहौल मालवणी में है, और ये इसीलिए है इनएफिशिएंट जनप्रतिनिधि होता है। जिस जनप्रतिनिधि का ध्यान काम से ज्यादा बाकी चीजों में होता है, अनऑथोराइज बढ़ाने में होता है, भरनी करने में होता है, एंक्रोचमेंट करने में होता है, वो विकास के काम में ध्यान नहीं देता, रास्ता चौड़ाईकरण करने में ध्यान नहीं देता, लोगों को अच्छा पानी मिले इसके लिए नहीं देता, और वही समस्या से मलाड की जनता भुगत रही है। जब हमारा जनप्रतिनिधि इधर आएगा तो हम डेफिनेटली सुविधा देंगे, जब हमारा नगर सेवक बनेगा। सर यहाँ पे रास्ता को लेकर अगर बात करें रिक्शे की या कोई भी ट्रेवल की बात करें तो यहाँ पे आने के लिए भी मना करते हैं, तो इसी किस तरह देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह से जो है यहाँ पे साधन चालू होगा? मैंने आपको कहा है लास्ट 30 साल में यहाँ पर हमारा नगर सेवक कभी बना नहीं है, न MLA है, तो हमारे पास फंड ही नहीं होता है काम करने के लिए, फिर भी जितना हमारा सांसद का फंड होता है उससे हम कार लेते हैं, लेकिन सांसद को तो 6 असेंबली है, वो पूरा फंड इधर दे नहीं पाती, पूरा छोड़ो 160 देना पड़ता है, लेकिन MLA के पास तो पूरा फंड मलाड के लिए, MLA के पास पूरा फंड, नगर सेवक के पास पूरा फंड विकास के लिए है, तो इनके पास है ना, तो वो करना चाहिए, वो नहीं करते, इनएफिशिएंट है, लेकिन हम करेंगे, हम लोगों को विकास का रास्ता दिखाएंगे और विकास पूरी तरह करेंगे। जैसा SV रोड का वाइंडिंग हमने करवाया, मलाड स्टेशन के सामने का रस्ते का वाइंडिंग हमने करवाया, ये सभी विकास के काम हम करेंगे। सर भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन जो है अगर बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन कोई पार्क हो या स्विमिंग पूल हो ऐसे तमाम जो है चीजों को आगे ला रही है, उसका उद्घाटन भी कर रही है बना के, तो किस तरह से देखते हैं सर? हम देख नहीं रहे, हम कर रहे हैं, हमने फुटबॉल ग्राउंड बनाया, अभी चालू है काम दीवाना जी के वार्ड में, हमने वहाँ स्विमिंग पूल बनवाया, गोपाल शेट्टी जी ने 8 नंबर पे भी जो बड़ा माड़ा का मैदान है, जो शादियां करते थे मैदान माड़ा का और पैसा कोई दूसरा खा रहा था, हम बच्चों के लिए करके दे रहे, 20 एकड़ के मैदान मालवनी में गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से लोगों के लिए मिलने वाले हैं, समाज केंद्र समाज हॉल बनने वाला है, जो यहाँ का MLA इतने सालों में नहीं बना पाया,
जो भोपाल शेट्टी जी बना रहे हैं, तो ये सभी बुनियादी सुविधा देना ये हमारा काम है और ये हम करेंगे। महिला कॉलेज के दो दावेदार की आप बात कर रहे हो, जैसे कि पुलिस और रोड को लेकर, तो ये दो दावेदार में सबसे किसकी, बीजेपी की है या कांग्रेस? आप एक काम करो, आपको जिम्मेदारी देता हूँ, हमारे पास सब करेस्पॉन्डेंस है, सामने वाले को बुलाओ पेपर लेके, हम हमारे 5 साल के करेस्पॉन्डेंस लाते 100% वो दिखा दे। दोनों बोर्ड पे अपने अपने बोर्ड पे लगाया करेस्पॉन्डेंट, डेट बाई ईयर बाई लगाया। देखो ऐसा है, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ काम होने को आया ना तो 6-7-8 महीने पहले लेटर डालते। हम लोग 5 साल काम करते हैं, इन्होंने लोग रखे जो 2-4 महीना पहला जान लेते, इन्फॉर्मेशन लेते, उनमें होर्डिंग लगा देते, वो बोलते हमने किया। ये सब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम 2-4 महीनों में नहीं होते, उसके लिए 5 साल संघर्ष करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है, और वो गोपाल शेट्टी जी ने किया है। इसके लिए आप तो उनको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए, पेपर चेक करिए, आप तय करिए। मालवनी में 15 साल से महिला कॉलेज की मांग चल रही है, जैसे कि स्कूल के ट्रस्टी ने कहा कि 15 साल पहले बन जाना चाहिए, क्या अगर भाजपा का अगर एमएलए जीत के आता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए अगर चाहते तो हो जाता, क्या कहना चाहिए? भैया ऐसा है, मलाड में हर सुविधा देना हम चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए, हमारा एमएलए कहाँ पर है? लास्ट 30 साल में आए एमएलए, इधर एक भी नगर सेवक है क्या? सांसद अपने लेवल से नीचे आके टॉयलेट्स बना के दे रहा है, सांसद अपने जैसे नीचे आके गार्डन बना के दे रहा है, लेकिन सांसद को तो 6 असेंबली देखना है, कितना देख पाएंगे? फिर भी उन्होंने तय किए 20 एकड़ के मैदान मालवनी में दूंगा, बंच ऑफ कनेक्शन निकाल के लोगों को सिंगल कनेक्शन में पानी दिलवाऊंगा, समाज केंद्र समाज हॉल बना के दे दूंगा, जो टॉयलेट की अभी भी असुविधा है वो करके दूंगा, रोड में जहाँ जहाँ उनके फंड से हो सकता है वो भी करेंगे। आने वाले सितंबर अक्टूबर में चुनाव है इलेक्शन नगर सेवक का, तो आप जितने कार्यालय बीजेपी नेतृत्व में करे जा रहे, तो आपको ये उम्मीद है कि मालवणी मलाड तालुका से नगर सेवक आपकी जीत के आएंगे? डेफिनेटली, आपको इसका सहयोग करेंगे? डेफिनेटली, हमें हम खाली सोचते नहीं है, हमें कन्फर्मेशन है, लोग काम के आधार पर हमको चुन के देंगे, और उनको होने वाली असुविधा के कारण नाराज है, और वो अपनी नाराजगी बटन में इलेक्शन के बटन में बताएंगे। अंबुजवाड़ी कारगिल पे बहुत लोगों का झोंका तोड़ा गया था, जैसे मोदी जी ने वादा किया था 2022 में सभी के सरों पे छत होगा, लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत से लोग बेघर हैं। तो ऐसा है, 2010 तक के लोगों को घर दम दे ही रहे, कोई अपना घर एक है और जाके दूसरा झोपड़ा बनाएगा तो उसको घर देने का काम हमारा नहीं है, जिसको घर नहीं उसको देने के लिए है, किसी को बिजनेस करने के लिए मदद करने के लिए हम नहीं है। ओके, चलो।